What's up guys, कैसे हो आप सब? Welcome back to our channel. अभी बज चुके हैं शाम के 5 और अभी उठ के मैं रेडी हुआ हूँ कि आज एक इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाएंगे, मतलब मस्त. तो वो मैं अभी आपको बता नहीं रहा, नीचे आके बताऊंगा. और इतना लेट उठने का मेरा कारण ये था कि आज मेरे को डालनी थी मेन चैनल पे वीडियो, तो वो एडिट करवा रहा था मैं किसी से, तो हो नहीं पाई, वो भी नहीं डली और मेरी पूरी रात भी ख़राब हो गई. तो अभी मैं उठाऊँ, फटाफट से तैयार हुआ, खाना खाया और अब चल रहे हैं एक आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सा व्लॉग बनाने. तो चलो फिर चाय पी के, चाय की चुस्की लेके, पाव एनर्जी ड्रिंक लेके और निकलते हैं, ठीक है? ये देखो आजकल सारे बच्चे काम करने लग गए हैं, ये इतने कपड़े इस अकेले ने धोए हैं. ये देखो अब प्रेस भी कर रहा है. शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे. हम तो करेंगे ना, अभी देखियो तेरे साथ एक ऐसा चैलेंज करूंगा, अगर उसमें तू हारा तो तू मेरे भी कपड़े धोएगा, अगर मैं हारा तो मैं तेरे धोऊंगा, ठीक है? तो अब वो तो तेरी गलती, तूने धो लिए. देख देख ये तो होगा अब एक एक ड्यू, वो भी कैन, ठीक है भाई, एक एक ड्यू वो भी कैन. और वो ऐसे नहीं होगा कि सीधा ले लिया, ले आया तू बस मेरे को दे दिया, वो ऐसे होगा जिस टाइम तू पी रहा होगा उस टाइम तेरे को अपना छोड़ के मेरे को देना पड़ेगा, या फिर वो दस रहे हो है, या फिर सेम चीज मेरे साथ होगी, ठीक है? डन, हमेशा ही होगा तो नहीं, पूरा का पूरा, ऐसे नहीं कि आधा, पूरा पूरा कैन, उस टाइम जिस टाइम तेरे को ऐसे तलब मची हुई होगी कि मेरे को पीना ये, उस टाइम मैं मांगूंगा तेरे से और तेरे को देना पड़ेगा, ठीक है भाई? ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है? मैं खेल ही नहीं रहा, डर लग रहा है. डरने की बात है, मेरे पर हार गया तो मैं रिस्क नहीं ले सकता. तो वो तो डरना हुआ ना, रिस्क नहीं ले सकता. तो गाइस ये पहले डर गया है, पहले ही डर गया है मेरे से, तो पहले इतना क्यों डर रहा है? मतलब तेरे को पता है तू हारेगा, इतनी कन्फर्मेशन कैसे है? ठीक है चलो, तो ये डन रहा, ठीक है अभी नीचे जाके हम वो चैलेंज करते हैं इसके साथ. तो गाइस जो चैलेंज मैं विनय के साथ करने जा रहा हूँ वो ये देखो, ये दो साइकिल दिख रही है आपको, इन दो साइकिल पे हम करेंगे स्लो साइकिलिंग रेस. मतलब एक तो होती है नॉर्मल रेस की भगाना, उसमें चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम करेंगे स्लो साइकिलिंग रेस जो स्कूल में होती थी पहले. तो देखते हैं उसमें कौन जीतेगा, मतलब इसमें आगे नहीं जाना, इसमें हमें रहना पीछे, तो पीछे जो रहा वो जीतेगा, ठीक है? और इसके कुछ रूल्स होते हैं कि इसमें पांव नीचे नहीं रख सकते, अगर पांव नीचे रखा तो वो बंदा ख़त्म, वहीं रेस ख़त्म, दूसरा जीत जाएगा. तो अभी इन दो साइकिल से हम रेस करेंगे. ये साइकिल तो ठीक है, उसके टायर में हवा नहीं है. तो सबसे पहले सफारी में से हमें पंप निकाल के, इलेक्ट्रिक पंप, और इसमें हवा भरनी पड़ेगी, ठीक है? वो काम करते हैं सबसे पहले. ओए चला वहाँ पर दे अपने मुंह से साइकिल में, इतनी पावर पानी पिया फिर पानी पी के भर देगा भाई. तो ये रे वो दस साइकिल, मैं आपके सामने हूँ और विनय अभी ऊपर है. विनय थोड़ा डर रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों, मेरे को खुद को अपने आप पे भरोसा नहीं यार, पता नहीं वो क्यों डर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को. चलो देखते हैं कौन जीतेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे हिसाब से, तो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ओके? तो भाई अभी पंप निकाल लेते हैं और हवा भरते हैं साइकिल में. ले निकालिए इसको, इसकी तो निकाल, मैं गाड़ी बैक करूँगा, गाड़ी बैक करके ना और उसमें लगावा यार साइकिल ये. चल ले गाड़ी बैक कर लियो, इसको रख देते हैं यार. हाँ साइकिल तो ले ही आऊँगा, साइकिल तो बीच में भी आ जाएगी. पहले वही इसके टायर में हवा भरनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है, कि पता नहीं कितनी पुरानी साइकिल है ना, हो सकता है क्या पता इसके टायर में दिक्कत हो. अबे ये क्या चीज़ है इसका, हवा वाला ये रहा, इससे भर देते हैं. ये पंप काम आ गया सफारी का, आज बड़ी गंदी हो रखी है सफारी भी. अभी एक बार लगा के भर देते हैं, स्टार्ट करनी पड़ती है, स्विच से काम नहीं चलेगा. ले ये देखो, इसको कनेक्ट करते हैं वहां अंदर
और अंदर जहाँ चार्जिंग वाला पोर्ट होता है वहाँ कनेक्ट होता है ये, और फिर इसको लगा के बस हवा भर लो। इसमें दिखाता है कि कितना प्रेशर आपको चाहिए वो चीज़। तेरे को ये पता कितना प्रेशर आएगा साइकिल में? आते बता दे, आज से तो बता देगा। एकदम एकदम ज़्यादा तो नहीं आएगा। ऊपर तो ब्रेक नहीं चला। हाँ नीचे ला रहा हूँ। कहाँ गया वो? क्लच में कौन खराब हुआ? विनय। वैसे आराम से चलाना है क्या, अब तक उसके फायदा भी हो जाए इससे। बंद तो नहीं हो रहा ये, वैसे बंद नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा ये। गाड़ी गाड़ी का ये साइकिल में ना भरा, सेम चीज़ तो हाँ सेम क्यों है क्या? देख कितनी खुली है ये, बहुत बड़ी है ये, इसका देखा ये मतलब नहीं होगा, नहीं बड़ी जाएगी इससे। तो गाइज हम स्लो साइकिलिंग अभी करने वाले थे, लेकिन अब टायर में हवा कैसे भरे, भर ही नहीं पा रहे, अब क्या करें? रील बनावा। शिट, इतना अच्छा प्लान था कि स्लो साइकिलिंग रेस करेंगे, काफी मजा आता, पॉपट हो गया। तो अगर अभी मैं जाता हूँ बाहर साइकिल को लेके और इसको ठीक करवा के लाता हूँ तो बहुत टाइम चला जाएगा, उसमें मेरे को लग रहा है अंधेरा ही हो जाएगा, तो आज तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और विनय का कल एग्ज़ाम भी है तो नहीं, इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते। मैं थोड़ा सा टाइम मांगा था उससे, वो नहीं हो पाएगा, तो कोई नहीं, आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, हम इस रेस को कल करेंगे, ठीक है? आंसर मत लो पर करेंगे पक्का। एक और चैलेंज इसके बाद मेरे पास मस्त था, वो करेंगे। अभी कुछ रील बना लेते हैं तब तक, लेकिन कुछ ना कुछ काम तो हम करेंगे। देखो अभी शाम को उठ के मैंने कितना बढ़िया प्लान किया था ना, स्लो साइकिलिंग रेस करेंगे, कितना अच्छा चैलेंज था ये एक, अब कैंसिल हो गया तो क्या कर सकते हैं। पहले साइकिल तो ठीक करा, साइकिल ठीक अभी तो करवा नहीं सकता, अभी करवाने गया तो रात हो जाएगी, फिर कोई फायदा ही नहीं है, तो कल करवा लेंगे साइकिल ठीक, कल करेंगे ये चैलेंज। बच गया विनय तू, साइकिल में हवा नहीं भरी गई, किस्मत अच्छी तेरी। अरे मेरे को मेरी किस्मत पे बहुत भरोसा है। किस पे? किस्मत पे। अच्छा ऊपर वो देखो भूत। हां आओ भाई आओ, आ जा आ जा। तो भाई आ जा रील बनाने। हां या ना तो आ जल्दी आ। ये कॉफी कहां से आई? चलो भाई सारे बैठे हो, एक चीज पूछता हूँ, बताना सारे, ठीक है? गुड्डू थोड़ा बीच में आ। सारे ठीक है, सुन रहे हो? चलो ये बताओ भाई, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तुम्हारी, ठीक है? टेस्ट होगी अभी जीके। ये बताओ दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था, ये बताओ। चलो बता ले। बता रहा हूँ। पता है? ओ सर्च मत कर, नीचे कर फोन। ओ तू भी बताओ फटाफट, तू बता। पता है? नहीं पता। तेरे को पता है? नहीं पता। नहीं पता गुड्डू? नहीं पता। चल विनय को आने दे, उससे पूछता हूँ। अब तुम में से कोई नहीं बता सकता, बात खत्म, ठीक है ना? मैं बाद में बताऊंगा, पहले विनय से पूछूंगा। अब तुम चाहे सर्च करो कुछ करो, तुम में से कोई नहीं बोलेगा, अगर बोला तो रैपटे खाएगा। आ गया विनय, विनय से नहीं पाया था पहला। चल जल्दी बैठ, चल एक सवाल का जवाब दे अब तू। दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था? तू ज्यादा पढ़ता है ना, कल तेरा पेपर भी है, बता। दुनिया का सबसे पहला आलू कित पाया गया खेत में? दुनिया में पाया गया था। कैसे जवाब दे रहे? नहीं पता ना, बोल दे बस, तेरा जवाब ही सही पाओ ना, बोल दे। अरे यहाँ रख लो बीच में, बोल। आलू के खेत में है ना? दुनिया का सबसे पहला आलू जमीन के नीचे पाया गया था। जमीन के नीचे पाया गया था, एग्जैक्ट लोकेशन बताई मैंने। ये कोई बात नहीं, ये क्या, ये क्या था? खेत ही कहते हैं। ये क्या बोल रहा था? पत्थर की थोड़ी हुआ, बेल्ट लगता थे भाई, टैंटे टैंटे कर रही है। ये देखो सारे छपरी पहुंच चुके हैं रील का शूट करने। भाई जबरदस्ती लाके छपरी मत बनाओ यार, कसम से बता रहे हैं हम। छपरी है तो छपरी बोलूंगा ना मैं तो। आप एक ये देखो, ये छपरी बेल्ट के फीचर दिखा दूं, बेल्ट के फीचर दिखाता हूं बेल्ट, ये बेल्ट का फीचर, इसके मार के दिखा ये बेल्ट। ओ मैं तो नहीं सहता इतना, मैं नहीं सहता।
लग गया भाई, लग गया। मैं तो नहीं कहता। ये देखो भाई, बिल्कुल फॉरेन की लोकेशन लग रही है ना, एकदम छोटा सीपी, अगर दिल्ली में देखे तो छोटा सीपी लग रहा बिल्कुल। ये देखो, ये बड़ी गंदी हो रखी है आज। अभी आए हम यहाँ दूध लेने, भैंस का प्योर दूध, पर पीता कोई नहीं है इनमें से। पीता है तू रोज? हाँ भर रहा है। तू पीता है? नहीं पीता, ये तो नहीं पीता। तू पीता है? मंत्री साहब मिल रहा है। गुड्डू मिला है? मिला है का क्या मतलब है? ले लो, पीता ही नहीं है वो, वेस्ट जाता दूध। वेस्ट कितने चला जा रहा है? दूध जाता है, दूध वेस्ट जा रहा है। पता कि पिछले कितने दिन से 1 लीटर कम कर दिया, 1 लीटर कम भी करवा दिया इस चक्कर में। अब कम पड़ेगा, अब सब पियेंगे। देखिए पता है, पहले के मतलब जो पहले वाला फ्लैट था वहाँ चाय भी तो ज्यादा बनती थी। यहाँ मुश्किल से 2 से 3 बार चाय बनती है, फिर भी दूध बच जाता है। हाँ यहाँ चाय भी कम बनती है। कम पीने लग गए क्या हम? चाय कम पीने बढ़ाओ भाई, चाय की मात्रा बढ़ाओ। ले भी आया भाई की पहचान है। गुड़गांव से यहाँ पहचान है तेरे भाई। अच्छा चलो बढ़िया है, फिर तो रोज दूध लेने आ गए। तो दूध हमने ले लिया गाइस, अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने। और सब्जी लेने हम कहाँ जा रहे हैं? मैक्स, हमारे पुराने घर के पास। और अभी अभी एक सीन हुआ, स्कूटी वाली लड़की आई, एक पापा की परी, पहले आके गाड़ी के पास रोकी। मैं यू टर्न ले रहा था, गाड़ी के पास रोकी, जैसे ही मैंने गाड़ी हल्की सी पीछे ली, उसको इतना सा गैप दिखा, उसने एकदम ऐसे स्कूटी यूं चूं करके लेके गई है, है ना? ये पापा की परी है, उड़ ला। ये देखो ये री, वो पापा की परी। ये देखो भाई, सब्जी लेते लेते बिल्कुल अंधेरा हो गया। वो देखो गुड्डू कब से वहां खड़ा है, इतनी देर हो गई। दे दे, बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम लगा दिया, यही अंधेरा कर दिया। मैच में बारिश आ गई, सारे काम खराब हो गया, तो सारी सब्जी आ गई एक एक। चल ठीक है, कल ही अदलू आ दियो, ठीक है? हैं के कुछ नहीं, चल ये बर्गर के कितने बॉक्स इकट्ठे करोगे? वो देख खिड़की खुली पड़ी है, वो भी बंद कर दे दूसरी। मिशन कैसा सब्जी का? तो गाइस सबसे पहले आते ही मैंने खाना खाया, खाना खा के अब बैठा हूँ जो अपनी मेन चैनल की वीडियो वो पूरी ठीक करवाऊँगा, जो जो गड़बड़ थी उसमें उसने भेज रखी है जिससे मैंने एडिट करवाई है, अभी वो पूरी ठीक करवानी है मेरे को। बहुत काम करता हूँ गाइस मैं, बहुत काम करता हूँ, तो जो ब्लॉग मैं बनाता हूँ, जो रील्स मैं बनाता हूँ, उन्हें देखा करो, शेयर किया करो, मुझे बताया करो मुझे कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। आप लोग बताते ही नहीं यार, जो बताते हो वो मैं देख लेता हूँ और मैं वो करूँगा, सारा कंटेंट मैं बनाऊँगा, वो मेरे दिमाग में चलते रहता है, उसको और अच्छा कैसे बना सकता हूँ मैं, तो मेरे को सजेशन जरूर दिया करो, ठीक है? ओके।